अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप लोग ठीक हैं, मजे में हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इट इज़ अबाउट रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। और नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं अल्केन्स की नेमिंग में, अल्केन्स की नेमिंग जो है वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही होती है, तो उस बारे में हमारा काम है, उस बारे में हम काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि वॉट आर अल्केन्स, अल्केन्स होते क्या हैं, अल्केन्स के बारे में आपको क्या पता है, इस बारे में हम बात करेंगे। अल्केन्स बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की चेन्स होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है, हाइड्रोकार्बन्स आर कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो अल्केन्स का कॉमन नेम पैराफिन्स होता है, और इसको हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो सबसे बेसिक आप समझ लें, सबसे ए बी सी में ए है अल्केन्स जो है, इसको आपने नेम देना है। तो नेमिंग देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता हों, और बेसिक चीज़ क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको इसकी काउंटिंग आए, काउंटिंग जो आपने नाम देने हैं, और नाम क्या होते हैं, कितने कार्बन वाले को क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको वो है। तो अभी जो मेरा लेक्चर बेस कर रहा है वो इसी चीज़ पर बेस कर रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ, अल्केन्स के कार्बन्स क्या होते हैं, अल्केन्स के अंदर कितने कार्बन वाले को क्या कहते हैं, अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास आ रहा है अल्केन्स का जनरल फार्मूला, अल्केन्स का जनरल फार्मूला। अल्केन्स का जनाब जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एज़ यू कैन सी इस स्लाइड पर रेड इन सर्कल किया हुआ है, ये मैंने इन सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, बट इट इज़ CnH2n+2। दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। जनरल फार्मूला MCQs में भी पूछा जाता है, जनरल फार्मूला आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह से अल्केन्स को ड्राइव करते हैं। तो बेसिकली ये सबसे बिगनिंग, सबसे स्टार्ट फार्मूला है हमारा, स्टार्टिंग फर्स्ट वन है ये, इट इज़ CnH2n+2। अब हम बात करते हैं कार्बन्स की, कि एक कार्बन वाला अगर हमारे पास अल्केन होगा तो उसको हम कहेंगे क्या। बेटा हम लोग तो काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमारे पास भी सिंपल काउंटिंग होती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म में हम सिंपल काउंटिंग नहीं करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म में हम लोग एक कार्बन वाले को एक कार्बन नहीं कहते, एक कार्बन वाले को हम कहते हैं मीथेन। अब अल्केन्स हैं तो आप लोग यकीनन ये बात जानते होंगे कि अल्केन्स होते क्या हैं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कि इसके अंदर जितने कार्बन्स हैं और जितने हाइड्रोजन्स हैं, दे ऑल आर बॉन्डेड सिंगल विद अ सिंगल बॉन्ड, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो सैचुरेटेड होते हैं ये, इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो आपके पास, और ये बात भी आपको पता होगी जो कि क्यूल ने प्रूव किया था, कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। सो आप देखें यहाँ पर आपके पास मीथेन लिखा हुआ है, मीथेन एक कार्बन वाले अल्केन को बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है CH4। अब ये CH4 कैसे आया है, ऊपर जो मैंने जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, आप CN, N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, आप CN, N की जगह क्या लिखोगे, 1 H2N 2 × 1+2, तो आंसर आपका बनेगा CH4। उसके बाद दो कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसको हम कहते हैं इथेन, इसका फार्मूला C2H6। तीन कार्बन वाला प्रोपेन, इसको कहते हैं C3H8। चार कार्बन वाला होता है ब्यूटेन, और इसका फार्मूला है C4H10। पांच वाला पेंटेन, और इसका फार्मूला है C5H12। सिक्स कार्बन वाला होता है हेक्सेन। सेवन कार्बन वाला हेप्टेन। आठ कार्बन वाला ऑक्टेन। नाइन कार्बन वाला नोनेन। और टेन कार्बन वाला जीकेन। सो ये आपके पास 10 टोटल, काउंटिंग तो वैसे आपके पास आगे तक की होती है, बट स्टार्टिंग हमारे पास जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो मैक्सिमम 10 कार्बन वाले अल्केन्स जो हैं या हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनकी बात की जाती है, और आपके सामने ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन सबके सामने इनके फार्मूलाज भी हैं, बट हेक्सेन के फार्मूला मैंने नहीं लिखा। तो अब आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको फार्मूला बताया था CnH2n+2, इसी तरह आपने हेक्सेन का फार्मूला निकालना है। अब अगर आप इसको शॉर्टकट में देखें और अगर आप इसको थोड़ा सिंपल करके जानना चाहें, तो इसमें पता है क्या डिफरेंस है, CH4, C2H6, C3H8, अगर आप आराम से काउंट करते हुए जाएंगे तो आपने सिर्फ CH2 का डिफरेंस डालना है, यहाँ पर CH2 का डिफरेंस डालना है, जैसे C
CH4 में CH2 का डिफरेंस क्या होगा? C2H6. CH4 में CH2 का डिफरेंस C2H6. C2H6 में CH2 का डिफरेंस C3H8. तो हेक्सेन C5H12 के बाद हेक्सेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H14. फाइन. उसके बाद हेप्टेन, हेप्टेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C7H16 एंड सो ऑन. सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स वी मस्ट हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द वे टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सो इसके अंदर जो चीजें आपने याद रखी हैं, दीज आर अल्केन्स कॉमन नेम विच इज पैराफिन, अल्केन्स जनरल फॉर्मूला विच इज CnH2n+2, अल्केन्स काउंटिंग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन, प्लस देयर जनरल जनरल फॉर्मूलाज, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं वो. अच्छा, जब आप ये लिख लेंगे तो एक जगह एज ही सेड दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे कंटेन जस्ट सिंगल बॉन्ड इन दैम, सिंगल बॉन्ड होता है इनमें. तो आप इनका काम क्या कीजिएगा, आप इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो. और ये बात याद रखिए कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, तो आपने जब भी बॉन्ड बनाने हैं कार्बन कार्बन इस चीज को भूलना नहीं है, कार्बन की वैलेंसी को. होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई है. अच्छा,